सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और अपन लोग उठ चुके हैं और बस करते हैं हम लोग को यहीं से स्टार्ट। चलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं पूल से फिर से और ये रही भाई कैमरा है भाई, तेरा भाई यूट्यूब चैनल खोलेगा, बस चैनल बताओ। ओ भाई आराम से, मेरे का भाई तो बस तू तो नाम बता दे, मैं वो नाम बता दे चैनल का क्या करूँ। वो तो अपना आप वो वाला जैसे तेरा नवतार ब्लॉग कंटेंट वो है ना, नवतार उसका हाँ उसका ही वो मेरे कभी आई हुई कंटेंट रखते हैं। दिमाग में कुछ आवा तेरे और तेरा वायरस तो बना दी देसी वर्जन मॉडल की तेरी बहन की याद भी वही चल रहा है, शुरुआत सब वहीं तक करा है, वरना भी वहीं तक करी थी, वरना भी बड़े तक करी थी, वहीं तक रखती मैंने भी शुरुआत। फिर तेरा भाई ब्लॉग भी बनाने शुरू करता है, फिर तुम भाई एक लाख कंटेंट उगा चुके हैं तुम भाई है, तुम भाई एक जैसे कंटेंट उगा चुके हैं। अरे फिर तो कोलैब करा करेंगे, फिर अपना चैनल दोनों मिक्स कर लें, कोलैब कर लेंगे, मत कर लेंगे और फिर तू मेरे अंडर काम कराएगा। आप इंजीनियर मैं भी चाहता हूँ, आप इंजीनियर मैं भी चाहता हूँ, ए तू आप इंजीनियर मैं भी चाहता हूँ। वैल्यू से चाहता कौन है वैसे भाई, ऐसे ही आप इंजीनियर तो जानो यार, मैं अब अगर मैं आप इंजीनियर हूँ तो आप इंजीनियर में जानो, मैं अली चाहता अगर तू है तो मैं नहीं जानता। अरे क्या हाल है भाई के, 88 भी लगी मेरे भाई बरमा है, नो 8 प्रो नो 8। अरे भाई अब अपना बिग बॉस का एक नंबर का सिस्टम बता रहा है, एक नंबर क्या देख रहा हूँ, एक अरे ऐसा नहीं है, 1 2 3 सिस्टम यार्ड के बीच में का बढ़िया गाइस, सच 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 चल रहा है भाई, और धोने लगते क्या आंखों में चल भाई यहाँ जहाँ मैं तो सेफ ड्राइव कर लिया भाई ने, मुझे तो बोल रहा था बंदा चाहिए ना किसी को, तो @iim_ध्रुव भाई। अभी हमारे ध्रुव भाई, ध्रुव भाई उनसे दिखाना था एक बार, हाँ भाई ये बना ध्रुव भाई को एक लड़की देख रही थी, ऐसा लग रहा है एक छोरी मेरे भाई देखो हमारा मानना है छोरी साइड का बोलते उनकी दूरी रखनी चाहिए। अच्छा जब ही मेरा भाई लाइफ में सक्सेस हो पाओगे तो भाई को वो लड़की उसको देख रही थी, पर से ये नहीं पता वो नेट पर ब्लॉग्स देखती है, वो मुझे देख रही थी वो भाई सब्सक्राइबर थी गाइस, वो सब्सक्राइबर थी, सुनो रो जिस टाइम मेरे भाई, अबे सब्सक्राइबर थी भाई, वो फैन थी मेरी, नेट पर ब्लॉग्स देखती है, नेट पर ब्लॉग्स और नेट पर मम्मी वो वहाँ गया, अलवेश यादव अलवेश यादव वहाँ गया बिग बॉस में, OTT वाला OTT होता है तो ये नहीं होते ऑनलाइन फिल्म है फल में दिखा जिस पर, ये होता है OTT जियो सिनेमा है ऐप है उस पर दिखा रहे हो उसको, तो बताओ क्या टिप्पणी हो गया आपके इसके ऊपर। हाँ। मुझे तो खुशी हो रही है बहुत, खुशी हो रही है कभी कभी लड़ाई देखने मम्मी को उसकी अंदर जीत लगा वैसे वो जीत जाएगा पक्का पक्का लग रहा है नहीं हाँ और उसे हारेगा तो नहीं क्या आ वो तो हारेगा ना हरियाणा वाला वो तो हारेगा तो बिल्कुल नहीं बोल मैं पक्का है वो पर नहीं उनके अंदर तक की जान लेता है वो हाँ पर पता क्या हो रहा अंदर जैसे कल अंदर गया ना राजनीति हो रही है हाँ राजनीति हो रही है उसको भेज दिया उसके साथ आशिका भाटिया है कोई जानबूझ के हाँ आशिका भाटिया तो उसके साथ पहले कंट्रोवर्सी हो रखी है उसकी उनके मोटिवेट हो रखे ऑनलाइन ही तो ये काम से आई हुई है
ये भी वही है, इन्फ्लुएंसर है ये भी, इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया की है भी, तो इन पे रिसर्च रिसर्च करके अच्छे से फिर भेज रखे अंदर, ये साथ में दोनों भेज दिए कि अंदर जाओ और भिड़ो, अंदर जाके पब्लिक को टीआरपी दो, मतलब हमें टीआरपी दो, पब्लिक को मजा दो। और फिर कल पता क्या होया, ये फुकरा इंसान है अभिषेक मलान, अभिषेक मलान है फुकरा इंसान का नाम है जी, तो ये जिया शंकर हो रहा है, मतलब जो पुराने कंटेस्टेंट है जिसमें जो पहले से है शुरू से ही है, ये तो अलीश यादव वाइल्ड कार्ड एंटर से बीच में गया, तो जो पहले से है ना जिया शंकर और ये और भी है एक और थी उनके साथ बैठ के, मतलब ये फुकरा इंसान थोड़ी बातें कर रहे थे, तो ये इसका मजाक उड़ा रही थी जिया शंकर चाल पक भी क्या है चलता है ऐसे बड़ी सी के गंदा सा मजाक उड़ा रही थी, तो उस पर हंस रहे थे ये अभिषेक मलानी फुकरा इंसान भी है। तो फिर ये उस टाइम पे बाथरूम में था अलू शादव, इसने सुना सुना होगा तो आगे कह रहा है वाह अभिषेक भाई वाह, मतलब ऐसे थोड़ा डिसअपॉइंट सा हुआ उससे, तो उसी पे अभी थोड़ी बात हो रही है, तो वही कह रहा है क्योंकि बिग बॉस का घर है ना, तो फिर वहाँ पे तो षड्यंत्र ही चलते हैं है ना पूरा का पूरा। अब ये दोनों साथ में पहले तो साथ में ही रहेंगे, ऐसे तो साथ में ही रहेंगे, यूट्यूब से ही है, यूट्यूब कम्युनिटी की है, भाई भाई कहते हैं दूसरे को भाई भाई हैं, तो क्या लगता है आपको कि इन दोनों में क्या इन दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि ये जो अलीश यादव है ना इसको देखती है इसकी लैंग्वेज वाली पब्लिक हमारी जैसी है, इसलिए जीतेगा। सुनो तो मतलब ऐसे लोकल लैंग्वेज वाले ज़्यादा देखते हैं, और जो अभिषेक मलाना इसकी होती है हिंदी वीडियोस, तो और ऑल इसका कंटेंट ऐसा है, इसका वीडियो ऐसे बनाता है जो चैलेंज वगैरह होते हैं इसमें, इसकी वीडियोस में इतना ये करो पैसे जीतो इतने ऐसे, तो ऑल ओवर इंडिया देखते हैं इसकी, इसकी ऑडियंस है ऑल ओवर इंडिया की, तो फिर ज़्यादा वोट किसको मिलेंगे, वोटिंग पे डिपेंड ना, वोटिंग से जीतेंगे अगर वोट बिल्कुल रियल है तो बताओ फुकरा इंसान, क्योंकि अभी जब ये अंदर गया ना अलीश यादव, देखने का नहीं है वोट करने का है, अरे वोट करने का है, अब व्यू अलग होते हैं, अरे मैं नहीं करता क्या वोट बिना देखे, अभी तक मैं फुकरा इंसान को वोट कर रहा था बिना देखे ही कर रहा था, फुकरा इंसान को वोट करना है, जैसे जैसे इसकी एंट्री हुई ना अलवेश यादव की बिग बॉस में, तो यूट्यूब वगैरह पे या पोल चलने लग गए, पोल होते हैं ना वो ऑप्शन वाले कि भाई इसको वोट करो इसको वोट करो, तो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे ऐसी जगह पे पोल चलने लग गए, तो अलवेश यादव के कम वोट्स आ रहे उसमें, फुकरा इंसान के आ रहा 90% और इसके आ रहे हैं 70% 80% ऐसे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं मतलब इसके ऊपर, पहला भी तो एक्सपीरियंस है इसका है, पहली बार तो गए हैं, अरे यूट्यूब वगैरह पे बता रहा हूँ, हाँ बिग बॉस वाले ने बुलाया ना उनको, बिग बॉस वाले ने ही बुलाया तभी तो इन दोनों का बुलाया, ताकि इनकी भिड़न तो अंदर आशिका भाटिया लड़ाई होगी, लोग देखेंगे टीआरपी मिलेगी नहीं, फिर व्यूज चाहिए उन्हें, व्यूअरशिप चाहिए व्यूअरशिप, और ऊपर से अंबानी की है वैसे है बिजनेसमैन बिजनेस माइंड है, जब वो हंसा ना तो उसी पे फिर वो लव कटारी आया तो उसके साथ रहता था अलीश यादव के साथ, वो भी इसलिए डिसअपॉइंट था व्लॉग में आज जब दिखा था कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, दिल तोड़ दिया तुमने अभिषेक भाई। सो गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो और मम्मी का ओपिनियन भी अच्छा लगा हो कि अलवेश यादव बिग बॉस में गया है इसके ऊपर, तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जल्दी से आपके पास, और तब तक के लिए जय श्री राम।